गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इन लास्ट क्लास वी स्टडी अबाउट केमिकल कैरेक्टर ऑफ क्लोरोफॉर्म, और अपने क्लोरोफॉर्म में 8 केमिकल रिएक्शंस हो गई थी। केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। नाइन्थ केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज हॉफमैन कार्बिलामीन रिएक्शन। हॉफमैन कार्बिलामीन रिएक्शन अदर नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज आइसोसाइनाइड टेस्ट। इन दिस रिएक्शन प्राइमरी एमीन एज ए प्राइमरी एमीन मेथिल एमीन मेथिल एमाइन इज प्राइमरी एमाइन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म in the presence of base in chloroform halogen atom 3. So in this reaction molecule of base use 3. तो base के भी कितने molecule ले लिए? 3 molecule। अब देखिए base के 3 molecule है potassium hydroxide के, तो यहां पे hydroxide हो गए 3। अब 2 हाइड्रोजन NH2 से, 1 हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म से, तो ये हाइड्रोजन हो गए 3, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोक्साइड, तो यहां पे 3 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? वाटर के। ठीक है, अब 3 पोटेशियम 3 क्लोराइड, तो ये साथ में 3 मॉलिक्यूल बनेंगे पोटेशियम क्लोराइड के। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म का, ये 3 हाइड्रोजन गए यहां से, 3 OH गए, 3 वाटर मॉलिक्यूल, यहां से 3 क्लोरीन 3 पोटेशियम 3 KCl। अब यहां पे बचा CH3N, यहां पे बचा CH3N और यहां पे बचा C, तो N के साथ C को लगा दे तो ये हो जाएगा CH3NC। तो इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है CH3NC। NC फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। तो CH3 मिथाइल NC आइसोसाइनाइड, तो मेन प्रोडक्ट हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड को शॉर्ट में कहते हैं, मिथाइल के लिए M, आइसो के लिए I और साइनाइड के लिए C। तो ये MIC गैस है। ठीक है, अब देखिए MIC जो है मेथिल आइसोसाइनाइड, ये एक पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड इज ए पॉइजनस गैस और इसे भोपाल
एक्सीडेंटल गैस भी कहते हैं। भोपाल इज इन मध्य प्रदेश एमपी, और यहां पे तो यहां अपन मेथिल आइसोसाइनाइड एमआईसी ये एक पॉइजनस गैस होती है, और भोपाल में जो एमपी मध्य प्रदेश में आता है वहां पे एक बार मेथिल आइसोसाइनाइड है ये लीक होनी स्टार्ट हो गई थी, और जिससे भोपाल में बहुत सारी डेथ है वो हो गई थी, इसलिए इसको भोपाल एक्सीडेंटल गैस कहा जाता है। ठीक है ना, तो एमआईसी है वो क्या है, भोपाल एक्सीडेंटल गैस। अब आइसोसाइनाइड यहां पे एज ए प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन हुआ है, एल्किल आइसोसाइनाइड का, ठीक है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट कहा जाता है। और आइसोसाइनाइड है उसको कार्बिल एमीन भी कहा जाता है, आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन भी कहा जाता है, इसलिए इसे हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है, हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। यहाँ पे प्राइमरी एमीन है उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, मेन प्रोडक्ट एल्किल आइसोसाइनाइड, साथ में 3KCl और साथ में 3H2O। अब अपन इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड है इसका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में अपन ने इस रिएक्शन में बेस के कितने मॉलिक्यूल लिए, 3 मॉलिक्यूल। फर्स्ट स्टेप में बेस का 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये डिवाइड होता है पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में, ये डिवाइड होता है पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में। सेकेंड स्टेप में ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्साइड आयन है वो रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म से, और ये क्लोरोफॉर्म के H प्लस को रिलीज कर देगा, यहां से क्लोरोफॉर्म है उसका हाइड्रोजन एज ए H प्लस रिलीज हो जाएगा और CCl3 पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखिए ये H प्लस और ये OH माइनस, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये यहां पे बन जाएगा CCl3 माइनस। ठीक है, अब देखिए CCl3 माइनस है इसको कहेंगे ट्राई क्लोरो, 3Cl के लिए ट्राई क्लोरो, कार्बन पे चार्ज है नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज क्या है नेगेटिव, तो ये है कार्बेनायन, तो ये यहां पे CCl3 माइनस को अपन कहेंगे ट्राई क्लोरो कार्बेनायन। अब थर्ड स्टेप में ट्राई क्लोरो कार्बेनायन है, यहां से निकल जाएगा Cl माइनस, ट्राई क्लोरो कार्बेनायन से क्या निकल जाएगा Cl माइनस, तो ये यहां पे फॉर्मेशन होगा। अब देखो Cl माइनस गया तो यहां से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और ये यहां पे फॉर्मेशन होगा CCl2 का, CCl2 डाइक्लोरोकार्बेन, CCl2 को क्या कहेंगे डाइक्लोरोकार्बेन। ठीक है, और ये क्या होता है, ये यहां इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है,
अपन ने लास्ट में राइमर टिमान रिएक्शन की थी। राइमर टिमान रिएक्शन में भी अपन ने देखा था कि वहां पे भी एज ए इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हुआ था और वो वहां पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल है वो वर्क कर रहा था। तो जो राइमर टिमान रिएक्शन है वहां पे भी डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है और ये जो हाफमान कार्बिलामिन रिएक्शन है यहां पे भी एज ए इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो ट्राइक्लोरोकार्बन आयन है वो कन्वर्ट हो गया डाइक्लोरोकार्बिन में। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होगा। फोर्थ स्टेप में जो अपना मेन रिएक्टेंट है प्राइमरी एमीन, ये अपना मेन रिएक्टेंट है यहां पे प्राइमरी एमीन मेथिल एमाइन, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। अब देखिए यहां पे फंक्शनल ग्रुप है NH2, फंक्शनल ग्रुप कौन है NH2। अब यहां नाइट्रोजन पे होता है वन लोन पेयर, यहां नाइट्रोजन पे क्या होगा वन लोन पेयर। कैसे, यहां पे सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आउटर सेल कौन सा है सेकंड, तो सेकंड आउटर सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 2+3, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास 5। अब नाइट्रोजन यहां पे बॉन्ड कितने बना रहा है 3, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 इधर कार्बन के साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो है वो 3 बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज आ गए, कितने बचे 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां नाइट्रोजन पे होते हैं एज ए लोन पेयर। ठीक है, तो देखिए ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, डाइक्लोरोकार्बिन को। तो नाइट्रोजन यहां पे डोनर हो गया, ठीक है, और ये एक्सेप्टर हो गया। और वी नो दैट डोनर एंड एक्सेप्टेड के बिटवीन कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। तो नाइट्रोजन यहां पे डोनर हो गया और ये एक्सेप्टर हो गया, तो इनके बिटवीन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए CH3 नाइट्रोजन ने यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हो गए। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये फॉर्मेशन हो गया किसका, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। इधर है CCl2, तो इस टाइप से यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहां पे एज ए प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन हुआ था, एल्किल आइसोसाइनाइड का। अब जो आइसोसाइनाइड ग्रुप है देखिए, साइनाइड ग्रुप है उसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये तीनों के तीनों बॉन्ड है वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये जो 3 बॉन्ड है यहां पे साइनाइड में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और जो आइसोसाइनाइड ग्रुप है, आइसोसाइनाइड ग्रुप में नाइट्रोजन एंड कार्बन के बिटवीन 2 बॉन्ड होते हैं कोवलेंट एंड 1 होता है कौन सा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो देखिए यहां पे इस टाइप से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया।
अब देखिए इस रिएक्शन में बेस के कितने मॉलिक्यूल थे, 3 मॉलिक्यूल थे। फर्स्ट स्टेप में बेस का कितना मॉलिक्यूल यूज आया, 1। अब यहां पे रह गए बेस के 2 मॉलिक्यूल, तो ये यहां पे बेस के 2 मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन कर लेंगे। अब देखिए ये जो 2 पोटेशियम है ये ले जाएंगे 2 क्लोरीन को -2 KCl, ठीक है, और ये जो 2 हाइड्रोक्साइड है ये ले जाएंगे 2 हाइड्रोजन को -2 H2O। तो यहां से 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड के एंड 2 मॉलिक्यूल वाटर के एग्जिट हो जाएंगे। अब देखिए ये 2 क्लोरीन चले गए, 2 हाइड्रोजन चले गए, अब यहां पे बचा CH3NC, तो ये फॉर्मेशन हो गया CH3NC का। तो यहां पे 2 बॉन्ड है वो तो कोवेलेंट है और जो 1 है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, तो ये फॉर्मेशन हो गया अपने मेन प्रोडक्ट मेथिल आइसोसाइनाइड MIC का, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम आयन और थर्ड स्टेप में निकला था क्लोराइड आयन, तो ये पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये फॉर्मेशन कर लेंगे KCl का। तो देखिए अपन ने देखा था इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट था मेथिल आइसो साइनाइड, ये रहा मेथिल आइसो साइनाइड, ठीक है, साथ में थे 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड के, तो 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड के ये रहे और थर्ड मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड का ये रहा, तो ये 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड के हो गए और साथ में यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल थे वाटर के। तो देखिए 1 मॉलिक्यूल वाटर का ये रहा और 2 मॉलिक्यूल वाटर के ये रहे, है ना। तो ये मैकेनिज्म है किसका, हाफमान कार्बिलामिन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट का, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन से अपन प्राइमरी एमीन है उसकी भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और क्लोरोफॉर्म है उसकी भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन प्राइमरी एमीन एंड क्लोरोफॉर्म दोनों के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है, इसलिए इसको कहा जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। अब अपन क्लोरोफॉर्म की लास्ट केमिकल रिएक्शन करेंगे, अब देखिए क्लोरोफॉर्म की जो लास्ट केमिकल रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन विद एल्कीन। अब अपन क्लोरोफॉर्म का एल्कीन पे क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे। तो देखिए ये एल्कीन ले लिया अपन ने, ब्यूट 1 इन एल्कीन ले ली, ब्यूट 1 इन, और ये रिएक्शन करवा दी क्लोरोफॉर्म से। अब यहां प्रेजेंस हाइड्रोजन परोक्साइड, यहां पे प्रेजेंस किसकी होगी, हाइड्रोजन परोक्साइड की। अब हाइड्रोजन परोक्साइड की प्रेजेंस है और एल्कीन की एडिशन रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन परोक्साइड की प्रेजेंस में एल्कीन की एडिशन में कौन सा रूल होता है, एंटी मार्कोनिकोव,
तो ये एल्कीन की एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग होगी बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंस किसकी है, हाइड्रोजन परोक्साइड की। तो हाइड्रोजन परोक्साइड की प्रेजेंस होने पे एल्कीन की एडिशन रिएक्शन में रूल लगता है एंटी मार्कोनिकोफ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस कार्बन पे ट्रांसफर होते हैं जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो देखिए डबल बॉन्ड से अटैच ये कार्बन है, इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 और इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है ना, तो इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ हो गया। अब यहां से निकलेगा H प्लस, क्लोरोफॉर्म है वो अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा एज H प्लस और ये CCl3 पे आ जाएगा नेगेटिव। अब ये H प्लस है वो लग जाएगा नेगेटिव वाले कार्बन से और CCl3 नेगेटिव लग जाएगा पॉजिटिव वाले कार्बन से, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH माइनस और H प्लस CH2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में और ये CH2 प्लस से लग जाएगा CCl3 माइनस, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इस प्रोडक्ट का अपन नेम लिखेंगे, क्लोरो सब्स्टिट्यूट है वो इधर लगे तो नंबरिंग इधर से होगी, ये कार्बन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब फर्स्ट कार्बन पे लगे हैं 3 क्लोरो सब्स्टिट्यूट, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो गया 1 1 1 ट्राई क्लोरो पेंटेन। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्लोरोफॉर्म का एल्कीन पे क्या है, एडिशन। तो इस टाइप से क्लोरोफॉर्म की जो केमिकल करेक्टर है वो कंप्लीट है। तो ये ट्राई हेलोएल्केन में अपना क्लोरोफॉर्म है वो कंप्लीट है। अब अपन ट्राई हेलोएल्केन में स्टार्ट करेंगे आयोडोफॉर्म। फॉर्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म CH3। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला CH3 हो गया। अब आयोडोफॉर्म का जो IUPAC नेम है सब्स्टिट्यूट हो गया आयोडो। अब 3 आयोडो है तो ट्राई आयोडो, 1 कार्बन के लिए मैथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सो IUPAC नेम ऑफ आयोडोफॉर्म इज ट्राई आयोडो मैथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या था, ट्राई क्लोरोमेथेन। आयोडोफॉर्म का IUPAC नेम ट्राई आयोडो मैथेन। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म का यूज अपन ने लिखा था एज ए एनास्थेटिक यूज में लेते हैं इसको, और जो आयोडोफॉर्म है इसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज में लिया जाता है, इसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज में लेते हैं। ठीक है, अब जिस टाइप से क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन का मेथड था हेलोफॉर्म रिएक्शन, वैसे ही अपन आयोडोफॉर्म है उसको भी अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन से शो कर सकते हैं। यानी आयोडोफॉर्म के सिंथेसिस का मेथड है वो क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। सिंथेसिस ऑफ आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म के सिंथेसिस के लिए
क्लोरोफॉर्म की तरह कौन सी रिएक्शन को यूज में लेते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन। और हैलोफॉर्म रिएक्शन में अपन फॉर्मेशन करते हैं किसका? आयोडोफॉर्म का, तो इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में अपन आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। आयोडोफॉर्म क्या होता है? ये येलो कलर का सॉलिड होता है, ठीक है ना? आयोडोफॉर्म क्या होता है? येलो कलर का सॉलिड होता है। तो यहां पे आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पे एज ए प्रोडक्ट है वो येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, और यहां पे एज ए प्रोडक्ट येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है आयोडोफॉर्म, इसलिए इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट है ये क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन ही है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन शो करते हैं? एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्कोहल के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, एल्कोहल ले लिया अपन ने एथेनॉल। अब क्लोरोफॉर्म के लिए अपन ने हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोजन क्या लिया था? क्लोरीन। तो यहां पे ले लेंगे आयोडीन, वहां पे क्लोरीन के फोर मॉलिक्यूल लिए थे, यहां पे आयोडीन के फोर मॉलिक्यूल, ठीक है। और हैलोफॉर्म रिएक्शन में अपन बेस के सिक्स मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहां पे बेस के हो गए सिक्स मॉलिक्यूल। अब वहां पे हैलोजन क्लोरीन था, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ था, यहां पे हैलोजन अपन को आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करना है, तो हैलोजन हो गया आयोडीन, तो यहां पे आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आयोडोफॉर्म साथ में एथेनॉल है, तो सोडियम फॉर्मेट। एथेनॉल है तो आयोडोफॉर्म के साथ में क्या आ जाएगा? सोडियम फॉर्मेट, साथ में फाइव मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड। वहां पे क्लोरीन था तो फाइव मॉलिक्यूल NaCl के थे, यहां पे आयोडीन है तो फाइव मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड के, एंड साथ में फाइव मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। तो इस टाइप से क्लोरोफॉर्म की तरह अपन आयोडोफॉर्म है उसको भी हैलोफॉर्म रिएक्शन से सिंथेसिस कर सकते हैं, इसको कहेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, बिकॉज यहां पे आयोडोफॉर्म की येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोफॉर्म के लिए अपन एल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन की क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, आयोडोफॉर्म के लिए अपन एल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन की आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे, वही इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म की तरह आयोडोफॉर्म के फॉर्मेशन के लिए भी अपन हैलोफॉर्म रिएक्शन को यूज में लेते हैं। और जो आयोडोफॉर्म है इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।